यूपी विधानसभा में 43 साल बाद आई मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार ऐसी घटना ना हो इसलिए सदन के पटल पर रिपोर्ट पेश की गई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के सवाल पर कहा कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई। देखिए, आज जो एक प्रोसीडिंग्स होती है हाउस की, असेंबली की, वो रेगुलर चलती आ रही है और प्रश्न उत्तर के बाद उसके बाद एक शोक संदेश था, वो श्रद्धांजलि देनी थी, उस पर एक रह गया था रंजीत जी का, उसको फिर किया गया और उसके बाद जो एक और जो चर्चाएं होती हैं विषयों पे वो सब ली जा रही है। जहाँ पे मणिपुर की बात होनी चाहिए वहाँ पे होगी। विपक्ष को यहाँ समझना है ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बात होगी या उत्तर प्रदेश के बाहर की बात होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है, या वो दिखा दें नियमावली में। तो इसलिए मणिपुर की तो चर्चा हो रही है और हमारे केंद्र में हो रही है, तो वहाँ पे आप बात करिए, आपके भी तो वहाँ पे सदस्य हैं, तो वहाँ पे बात करिए, यहाँ पे आप क्यों करना चाहते हैं। और कहीं करना चाहते हैं तो अखिलेश जी पहले बंगाल पे हो जाए, पहले राजस्थान पे हो जाए और फिर आपके साथ चर्चा कीजिए।